वेलकम टू एलिश बेकरी एंड फूड्स। आज हम बनाएंगे ये फॉन्डेंट कार्ड थीम केक और कुछ सिंपल से टिप्स शेयर करूंगी जिससे फॉन्डेंट के शार्प एजेस बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं। बिना स्टीमर के फॉन्डेंट का प्योर ब्लैक कलर भी रिटेन करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉन्डेंट को सॉफ्ट करेंगे। फॉन्डेंट हमारा इलास्टिक हाइड्रेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको थोड़ी सी देर अबाउट 4 to 5 seconds उसको माइक्रोवेव कर लें, देन आप उससे काम करें। सबसे पहले हमने केक के टॉप के लिए फॉन्डेंट कटिंग करनी है, तो सपोज़ हमारा केक है 6 inches का, तो मैं यहाँ पे 7 inches की फॉन्डेंट कट करूँगी। थोड़ी बड़ी कटिंग करनी है। यहाँ पे गनाश केक है मेरे पास, शार्प एजेस गनाश केक की वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉन्डेंट को केक के टॉप पे प्लेस करके हमने इसको रब करना है सेंटर से एजेस तक, और यहाँ मैं इसके ऊपर काफ़ी सारा कॉर्न स्टार्च लगा रही हूँ ताकि ये केक बोर्ड से चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने केक बोर्ड यूज़ किया है, आप कोई ट्रे या कोई भी हार्ड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और हम केक को यहाँ पे फ्लिप करेंगे, फॉन्डेंट की कटिंग करेंगे, बिल्कुल केक से टच करते हुए हमने इसको कटिंग करना है। जितनी फाइन कटिंग कर सकते हैं उतनी फाइन कटिंग करेंगे। इस काम के लिए आप कोई अच्छा कटर यूज़ कर सकते हैं या कोई शार्प नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से फॉन्डेंट कटिंग कर ली है, लेकिन इसकी एक दफ़ा फिनिशिंग कर लेते हैं। ये छोटे छोटे से पीसेस निकले हैं, ये भी निकाल दिए, तो केक का टॉप यहाँ पे फिनिश है। अब आ जाते हैं साइड्स की तरफ, तो साइड्स के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा फॉन्डेंट चाहिए। हमारे जितने केक की हाइट है वर्थ है उससे हमने बड़ी फॉन्डेंट तैयार करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट को लंबाई में ही बेलना है, तो उसको बेल लेते हैं। फॉन्डेंट को ज़्यादा थिन नहीं करेंगे, 5 mm की हमने फॉन्डेंट बेलनी है, या इतनी कि फॉन्डेंट फटे नहीं, उसमें क्रैक्स वगैरह ना आए। अब फॉन्डेंट को कटिंग करेंगे साइड्स के लिए, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेट कटिंग करनी है। अगर हमारे केक की हाइट है 6 inches तो हमने 7 inches की फॉन्डेंट कट करनी है कि फॉन्डेंट की साइड्स 7 inches की हो। फॉन्डेंट को हम हर तरफ से केक से थोड़ा थोड़ा बड़ा रखेंगे कटिंग करते वक्त। दोनों साइड्स इसकी हमने स्ट्रेट कटिंग कर ली है। अब लंबाई में एक साइड से हम इसकी स्ट्रेट कटिंग करेंगे, ये भी केक से बड़ी होनी चाहिए। फॉन्डेंट पे काफ़ी सारा कॉर्न स्टार्च लगाएंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और रोलर पे से रोल कर लेते हैं। और जहाँ से हमने फॉन्डेंट स्ट्रेट कटिंग की थी, ध्यान रखें कि वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो अच्छे से। अब आ जाते हैं अपने केक की तरफ, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है, और हाथ से इसको हल्का सा रब भी इसीलिए किया है ताकि पानी की क्वान्टिटी एक जैसी स्प्रेड हो पूरे केक पर। अब फॉन्डेंट वाले रोलर को बिल्कुल बॉटम में रखते हुए रोलर को खोलेंगे और हाथ से रब करते हुए फॉन्डेंट को केक पे स्टिक करेंगे। नीचे के किनारे पे ध्यान रखते हुए इसको प्रेस करते हुए खोलते जाएंगे और रब करते जाएंगे। जब हमारा पूरा रोल खुल चुका है तो हमने इसको अच्छे से पहले रब करना है हाथ से, और अब जहाँ इसका ज्वाइंट आ रहा है वहाँ पे हल्का सा पानी लगाएंगे, और इस ज्वाइंट पे भी हमने इसको स्टिक कर देना है। स्मूदर यूज़ करेंगे, स्मूदर से भी इसको रब करते जाएंगे, लेकिन अभी जहाँ पे इसका ज्वाइंट आ रहा है हमने यहाँ से इसको कट नहीं करना है। जहाँ से ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं दो फॉन्डेंट, वहाँ से हमने इसको कटिंग करना है स्ट्रेट। अंदर का पीस निकाल के पानी लगाएंगे और इसका ज्वाइंट बिठाएंगे रब कर करके। अगर आपकी फॉन्डेंट सॉफ्ट और हाइड्रेट हो तो ज्वाइंट बहुत जल्दी मर्ज हो जाएगा। अब स्मूदर यूज़ करेंगे, और स्मूदर को बिल्कुल बॉटम में रख के हमने चलाना है ताकि नीचे से अच्छे से सेट हो। अब इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट निकल रही है इसे हम रफली कटिंग कर लेते हैं। अब इसके ऊपर के किनारे को थोड़ा सा रब करेंगे ताकि हमें फाइन लाइन मिल जाए। अब इसकी फाइन कटिंग करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट ताकि हमें शार्प एज मिले नीचे के लिए भी। केक हमारा फॉन्डेंट से कवर हो चुका है, कटिंग वगैरह सब फाइनल हो चुकी है। अब इसको वापस फ्लिप करेंगे, वापस पलटेंगे। साइड्स की फॉन्डेंट लगाने के लिए जो हमने पानी लगाया था वो इसके टॉप पे आ चुका है, इसलिए इसके ऊपर डालेंगे कुछ कॉर्न स्टार्च। और यहाँ हमने दो स्मूदर यूज़ करने हैं, एक टॉप पे और एक साइड पे, और दोनों को एक साथ रब करते हुए जॉइंट्स को मर्ज करेंगे। अगर आपने शार्प एजेस बनाने हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास दो स्मूदर्स हों। अगर एक स्मूदर है और आप शार्प एजेस बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। दो स्मूदर्स होंगे तो काम आपका ईजीली हो जाएगा। और जब तक जॉइंट्स आपस में मर्ज नहीं हो जाते, हमने दोनों स्मूदर्स को इसी तरह चलाते रहना है। ये डिपेंड्स करता है आपकी फॉन्डेंट पे कि वो
कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कितनी हाइड्रेट है या हार्ड है। फॉन्डेंट हमारी अच्छी स्मूथ हो चुकी है, जॉइंट भी इसका सेट हो गया है। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा कॉर्नस्टार्च साफ़ कर देते हैं और यहाँ पे हमारा फॉन्डेंट केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसका कलर प्योर ब्लैक नहीं लग रहा, तो इसका कलर को वापस लेकर आते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है बिना स्टीमर के फॉन्डेंट के कलर को रिटेन करने का। तो करना ये है कि हमने केक पे लगाना है बिल्कुल हल्का सा ऑयल, लेकिन उसको स्प्रेड ज़्यादा करना है, क्वांटिटी बहुत कम लगानी है। स्प्रेड करेंगे अच्छे से ब्रश से, हाथ से, और ऑयल जो यूज़ करेंगे उसमें कोई ख़ास स्मेल फ्लेवर ना हो, रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा लगाएंगे। फॉन्डेंट का कलर तो ब्लैक हो गया, शाइन भी आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली है। बट डोंट वरी, विद इन 20 मिनट्स ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। शाइन रहेगी लेकिन ऑयली वाली नहीं, ब्लैक कलर भी ऐसे ही इसका रिटेन रहेगा, शाइन होगी लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल रेडी है, अब इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी येलो फॉन्डेंट ले ली है और इसे हम जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलेंगे, क्योंकि हमने इसको वैसे भी केक बोर्ड पे चढ़ाना है, तो केक बोर्ड पे मैं पतली फॉन्डेंट चढ़ाना ही प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल पतली से हमने इसके ऊपर फॉन्डेंट चढ़ा दी है। केक बोर्ड को फ्लिप करेंगे और एक्स्ट्रा फॉन्डेंट कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फॉन्डेंट कटिंग करने के बाद हम इस फॉन्डेंट को बोर्ड पे स्टिक करेंगे हल्का सा पानी लगाकर। और ये आ गया हमारा केक। अभी 20 मिनट्स भी नहीं हुए हैं लेकिन केक हमारा बिल्कुल सेट है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और ज़बरदस्त सी शाइन है केक पे। कार का थीम है हमारे केक का, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टिकर्स हैं जिसे मैं स्टिक करूँगी हल्का सा न्यूट्रल जेल लगा के, या फिर आप इस पर ईटेबल ग्लू या थोड़ा सा पानी भी लगा के इसको स्टिक कर सकते हैं। केक की डेकोरेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है। अब आ जाते हैं कप केक की तरफ। तो कप केक के फिलिंग करूँगी मैं चॉकलेट गनाश से, उसके लिए मैंने ये नोज़ल यूज़ किया है। सारे कप केक्स की फिलिंग कर लेते हैं। कप केक के टॉप पे मैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ बिना नोज़ल के, एक थिक लेयर लगा देंगे क्रीम की। और इसे मैं लेवल कर रही हूँ कार्ट से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फॉन्डेंट की डेकोरेशन करनी है ताकि फॉन्डेंट के किनारे इस पर ख़राब ना हो, इसलिए हम इसकी टॉप को लेवल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट की कुछ डिस्क कटिंग कर ली है इस कटर से, और ये मैंने आधा घंटा पहले ही कट करके रख ली थी ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। फॉन्डेंट पे हल्का सा पानी लगा के सारे कार्ड्स को फॉन्डेंट के साथ स्टिक कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास BMW, OD, फरारी, अलग अलग लोगो हैं। कार्ड स्टिक करने के बाद 5 मिनट्स के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और अब बस डिस्क लेनी है, कपकेक पे प्लेस करेंगे और हल्का सा इसको प्रेशर देंगे और यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा कपकेक तैयार है। इसी तरह सारे कपकेक्स बना लेंगे। फॉन्डेंट केक और कप केक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसकी एक फाइनल चीज़ रह गई है, वो है ये प्यारी सी हमारी स्पोर्ट्स कार। इसमें मैं एक स्टिक लगा के इसको केक में इंजेक्ट कर रही हूँ और यहाँ हमारा खूबसूरत सा चमचमाता हुआ फॉन्डेंट कार थीम केक तैयार हो गया, और परफेक्ट शार्प एजेस के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल।